दोस्तों आज जब मैं जमशेदपुर से खड़गपुर के लिए निकला था, ये सोचकर कि भैया मैं जैसे ही खड़गपुर पहुंचूंगा वैसे ही मैं थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म यानी कि मास्टर का पहला शो पहले दिन सिनेमाघर में देखूंगा। लेकिन भाई मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भैया मेरे मंसूबों पर पानी फेर देंगे थलापति विजय के फैंस। यानी कि भाई सुबह से इंतज़ार करते करते फाइनली मुझे शाम के शो में एंट्री मिल पाई सिनेमाघर में। और भाई मैंने जब इस फिल्म को देखा उसके बाद मेरे दिल से इस फिल्म के लिए एक ही आवाज़ निकली कि भैया इसको बोलते हैं स्टारडम, इसको बोलते हैं गट्स। यानी कि भैया विजय ने एक दमदार ओपनिंग लेते हुए ये बात पूरे इंडिया को बता दी है कि भैया आने वाले दिनों में वो भी इंडिया के लिए एक बेहतरीन पैन इंडिया स्टार साबित होने वाले हैं। यानी कि भैया साउथ इंडस्ट्री में उनका सिक्का तो चलता था, लेकिन मैं अब गारंटी से कहता हूं कि भैया उनका सिक्का अब पूरे इंडिया में चलेगा। तो दोस्तों कैसा है मास्टर और कैसी है मास्टर की कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़े भैया थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म यानी कि भाई मास्टर से। और दोस्तों इससे पहले कि मैं मास्टर का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं मास्टर के लिए कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। भैया जिस फिल्म में दो विजय हो, भाई उस फिल्म की पराजय कैसे हो सकती है। यानी कि भैया दोनों विजय ने, यानी कि थलापति विजय और विजय सेतुपति ने जो काम किया है बॉस इस फिल्म में, उन्होंने जिस तरीके से पूरे फिल्म को बांध कर रखा है अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से, भैया उसकी तारीफ तो मैं शुरू में ही करना चाहता था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू चालू करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लोकेश कंगराज ने, जिन्होंने कैथी जैसी बेहतरीन फिल्म दी थी साउथ इंडस्ट्री के लिए। और भाई उन्होंने एक बार फिर से मास्टर के माध्यम से एक मास्टरपीस मूवी दे दी है सिनेमा घर में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। तो दोस्तों इस फिल्म में है थलापति विजय, उसके बाद इस फिल्म में है विजय सेतुपति, उसके बाद इस फिल्म में है मालविका मोहनन और अंत में अर्जुन दास। यानी कि भैया एक बेहतरीन कास्ट के साथ ये फिल्म सिनेमा घर में आई है और उसी के साथ एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर ने इस फिल्म को वो लेबल दे दिया है जिसे देखने के बाद आप बोलोगे कि भैया ये फिल्म हर मामले में सुपर डुपर हिट है। यानी कि भैया अनिरुद्ध के म्यूजिक ने तो भैया इस फिल्म में चार चांद लगा दिए मेरे भाई। और भैया इस फिल्म की मैं कितनी तारीफ करूं। और आज एक बात मैं इस फिल्म के लिए कहना चाहूंगा कि मैं इस फिल्म की कहानी आप लोगों को एक लाइन भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि भैया काफी दिनों के बाद एक बेहतरीन फिल्म सिनेमा घर में आई है इस कोरोना काल में। यानी कि भैया सिनेमा घर जिस तरीके से सुनसान पड़े थे और सिनेमा घरों को जिस बेहतरीन फिल्म का इंतजार था वो फिल्म मास्टर ही है। और भाई इस फिल्म को लेकर मैं एक बात आप लोगों को डैम श्योर बोलता हूं कि भैया आप जब इस फिल्म को देखने जाओगे तो भाई ये फिल्म आपको इतना अट्रैक्ट करेगी कि भाई आप इस फिल्म को एक बार नहीं मेरी तरह दो बार देखने जाओगे। यानी कि भैया आज तो मैंने इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में देख लिया है, अब मैं इस फिल्म को कल देखने जाऊंगा हिंदी में। तो भैया ये फिल्म इतनी बेहतरीन है कि इसकी हम कितनी तारीफ करें। और भाई एक बात तो साबित कर दी है साउथ इंडस्ट्री ने कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को अब सीखना होगा साउथ इंडस्ट्री से कि भैया फिल्म मेकिंग किसको कहते हैं और भाई उनकी फिल्में आज क्यों इतनी चर्चा बटोर रही हैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया जब कहानी इतनी बेहतरीन हो, क्या करूं बॉस, अंदर से ना एक कुलकुलाहट हो रही है कि मैं इस फिल्म की कहानी आप लोगों के सामने रख दूं। लेकिन भैया मैं इस फिल्म के साथ कोई भी स्पॉइलर नहीं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि भैया बहुत दिनों के बाद कोई फिल्म फाइनली सिनेमाघर में रिलीज हुई है और उस फिल्म को इतनी बेहतरीन ओपनिंग मिली है। मेरे भाई जमशेदपुर से खड़गपुर का डिस्टेंस कितना है, जो लोग इस रूट में आते हैं वो जानते हैं। यानी कि भैया मैं 2.5 घंटे का डिस्टेंस पूरा करके पहुंचा इस फिल्म को देखने के लिए। और भाई
मैं सोच रहा था कि भैया इस फिल्म को मैं जब देखने सिनेमाघर में पहुंचूंगा तो वहां पर उतने ऑडियंस नहीं होंगे। और मेरा एक दोस्त भी है जिसने मुझे ये बात कही थी कि भैया तू बेकार में इस फिल्म को देखने के लिए झारखंड से तू बंगाल में जा रहा है, इस फिल्म को तो चाहता तो तू झारखंड में भी देख सकता है। लेकिन भैया मैंने उसे एक बात कही कि भैया ये फिल्म एक दिन पहले यानी कि झारखंड में ये फिल्म कल रिलीज होगी, वो फिल्म आज रिलीज हो चुकी है खड़गपुर में, क्योंकि भैया खड़गपुर में साउथ के ऑडियंस हैं। और इसी बात को लेकर इस फिल्म को 13 तारीख को यानी कि आज ही रिलीज कर दिया गया है खड़गपुर में। और भैया जब मैं खड़गपुर पहुंचा इस उम्मीद के साथ कि भाई इस फिल्म को मैं पहले दिन पहले शो देखूंगा, और मेरे दोस्त ने भी ये बात कही थी कि भाई तेरे को आराम से एंट्री मिल जाएगी सिनेमाघर में, लेकिन भाई सुबह से शाम हो गई इस फिल्म को देखने के लिए, यानी भैया शाम को फाइनली घुसा हूँ इस फिल्म में। और भैया इस फिल्म को देखने के बाद मेरे तो पूरे पैसे वसूल हो गए, यानी कि भैया इस फिल्म का जो लेंथ है वो लगभग 3 घंटे का है, और 3 घंटे में मैं बोलूँगा कि 10 सेकेंड का भी कोई ऐसा शॉट नहीं है जो कि आपको बोर करे। यानी कि फिल्म की कहानी इतनी बेहतरीन है, इतनी कसी हुई है कि भैया ये फिल्म आपको चेयर छोड़कर उठने नहीं देगी। यानी कि भाई एक तरफ जब जब विजय सेतुपति की एंट्री होती है सिनेमाघर में, यानी कि भैया फ्रेम में वो जब आते हैं वो भारी पड़ते हैं मेरे भाई थलापति विजय के सामने। मतलब मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर भैया थलापति विजय नहीं होते तो शायद ये फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं होती। यानी कि भैया थलापति विजय ने तो बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतरीन काम किया है इस फिल्म में भाई विजय सेतुपति ने। और मैं ईमानदारी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि विजय सेतुपति ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से मुझे एक बार फिर से प्रभावित किया है। और मैं इनको लेकर एक बात कहना चाहूँगा कि भैया मैंने इनकी कई सारी फिल्में देखी हैं और इनको देखने के बाद ऐसा कहीं से फील नहीं होता है कि भैया ये हीरो मटेरियल है, लेकिन ये अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से ये बात साबित कर देते हैं कि ये हीरो मटेरियल है। यानी कि भैया भले ही ये गोरे चिट्टे ना हो, मस्कुलर बॉडी वाले ना हो, लेकिन भैया इनके रग रग में एक्टिंग बसा हुआ है। ये जब भी आ रहे थे फ्रेम पे भाई दिल खुश हो जा रहा था। और उसके भैया उसके बाद अगर हम लोग बात करें विजय की यानी कि थलापति विजय की, तो भाई वो तो मास्टरपीस है। यानी कि भैया वो जब फ्रेम में आ रहे थे तो नो डाउट उनके फैंस जो है वो खुशी से झूम उठ रहे थे। और भाई क्या कहानी लिखी है यार लोकेश गंगराज ने, और उन्होंने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है कि भैया वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर, मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और ऐसे ही डायरेक्टरों को काम करना चाहिए मेरे भाई फिल्म इंडस्ट्री में। बेकार के लोग जो इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उनको लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और बॉलीवुड के मेकर्स को अब सीखना चाहिए साउथ इंडस्ट्री से कि भैया फिल्में कैसे बनती हैं, किस तरीके से लोगों को इंगेज किया जा सकता है सिनेमाघर में। तो भाई अगर मैं चाहूँ तो भैया इस फिल्म को लेकर मैं 1 घंटे तक स्पीच आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस फिल्म को लेकर फाइनली एक ही बात कहूँगा कि इस फिल्म की कहानी को मैंने जानबूझकर आप लोगों के सामने नहीं रखा है। मैं चाह रहा हूँ कि कल जब ये फिल्म हिंदी वाले बेल्ट में रिलीज हो तो आप लोग मेरे इस रिव्यू को देखने के बाद प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखने जाइएगा, क्योंकि आप जब इस फिल्म को सिनेमाघर में देखने जाओगे तो भाई फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, जो ऑनर्स हैं सिनेमाघर के उनको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि भैया अच्छे दिन अब उनके आने वाले हैं। यानी कि भैया कोरोना काल में जो फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, जो थिएटर ऑनर्स को नुकसान हुआ है, ये बेहतरीन फिल्म उस नुकसान की भरपाई कर सकती है। और इस फिल्म के बाद भैया बड़े बड़े मेकर्स को भी थोड़ा सा बुद्धि आएगा कि वो सूर्यवंशी को रिलीज़ कर ले, वो राधे और मोस्ट वांटेड भाई को रिलीज़ कर ले। यानी कि भैया बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड की अभी पाइपलाइन में लगी पड़ी हैं इस बात को लेकर कि भैया कब सिनेमाघर से अच्छे रुझान हम सबको देखने को मिले। तो दोस्तों वाकई में वो रुझान विजय ने अपने दमदार परफॉर्मेंस से दिखा दिया है। तो दोस्तों इस फिल्म को मैं 5 में 5 स्टार दूंगा, क्योंकि भैया जिस समय विजय ने अपनी फिल्म को सिनेमाघर में लाया है उस समय बड़े बड़े एक्टर अपनी फिल्म को सिनेमाघर में नहीं लेके आ पा रहे हैं केवल डर से, लेकिन भैया विजय को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा था, अपने काम पर पूरा भरोसा था। और ऐसी फिल्में जब सिनेमाघर में आती हैं तो भैया ऐसी ही फिल्में रिकॉर्ड बनाती हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।